अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन रिजाला। तो आज मैंने जो रेसिपी आपके लिए मैं बनाने जा रही हूँ, तो चलें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रही हूँ कि जो मटन रिजाला है वो कैसे बनता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए मुझे चाहिए मटन। तो ये मैंने मटन लिया है, ये 1/2 kg करीब मटन है। तो मटन और उसमें ये फ़ौरन के लिए ये मैं इसका फ़ौरन डालूंगी। तो इसके लिए मैं ये गोल मिर्च, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, तो ये मैं एक साइड में रख दे रही हूँ। और इसमें डलेगा ये दही और इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो ये काजू है और ये है मगजदाना। तो ये दोनों को मैं पानी में भिगोकर इसका पेस्ट बना लूंगी। और यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, तो प्याज के साथ ये मैं 2 हरी मिर्च को इसको मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो पहले मैं इसका पेस्ट बना लूँ। ये इसमें डालूंगी लहसुन, क्योंकि अदरक के मेरे पास पिसा हुआ है, उसका पेस्ट मेरे पास पहले से है। तो इसमें मैं लहसुन को पीस लूंगी और इसमें मैं डालूंगी ये सफ़ेद मिर्च है जिसे दक्षिणी मिर्च कहते हैं, तो इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसका पेस्ट बना लूंगी। अब मैं मटन को इस बाउल में ट्रांसफ़र करूंगी क्योंकि ये बहुत छोटा है। अब इसमें मैंने जो प्याज का पेस्ट बनाया था, प्याज, हरी मिर्च, दक्षिणी मिर्च, तो इसको मैं डाल दूंगी इसमें। और लहसुन है और साथ साथ इसमें डालूंगी दही। लहसुन को तो मैंने प्याज के साथ पीसा था और ये जो अदरक है इस ये मेरे पास पीसा हुआ था, तो इसको मैं 2 चम्मच डाल दूंगी इसमें। अब इसमें डालूंगी नमक को अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी, क्योंकि नमक, दही, प्याज ये सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। दे रहे हैं इसको रेस्ट करने के लिए, कम से कम ये 1/2 आवर रहेगा। और अब मैं ये काजू और मगजदाना को मैं इसमें डालकर इसको पानी से इसको भिगो दूंगी, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट चाहिए। और इसमें मैं आप पे इसमें खसखस भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास अभी खसखस नहीं है, तो खसखस से और भी अच्छा टेस्ट होता है। तो इसमें आप पे काजू, मगजदाना और थोड़ा सा खसखस भी डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी पानी, तो ये अच्छी तरह से इसको पानी से मैंने इसको भिगो दिया है ताकि इसका पेस्ट बहुत ही स्मूथ बने। अब मैंने लिया है कुकर और कुकर में मैं डालूंगी तेल, 1 चम्मच डालूंगी मैं घी। घी से इसके टेस्ट में और ज़्यादा इसकी टेस्ट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने लिया है सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी। तो सिर्फ ये सूखी लाल मिर्च को छोड़कर मैं सभी चीज़ों को कुकर में डाल इसको मैं डाल दूँगी। अब ये जो मेरा मैरिनेट किया हुआ मटन है, अब इसको मैं डाल दूँगी।
ये पानी एकदम खुश्क हो जाएगा, फिर इसे मैं गलने के लिए रख दूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी दरदरा पिसा हुआ धनिया। देखें ये अब पानी सूख गया इसका। अब मैं इसको थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें पानी डाल दूंगी ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। अब मैंने इसमें जो काजू और मगजदाना का पेस्ट बनाया था तो वो मैं डाल दे रही हूँ। अब इसमें मैंने जो काजू का पेस्ट बनाया था तो वो सब धोकर मैंने पानी इसमें डाल दिया। और अब कुकर को मैं करूँगी बंद। अब इसको मैं चेक कर लूँगी कि वो मेरा मटन गल गया है कि नहीं। ये मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल गल चुका है। तो इसको मैं सबसे पहले ट्रांसफ़र करूँगी एक के कढ़ाई में। अब देखें इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई में। और अब इसमें मैं डालूंगी सूखी लाल मिर्च। तो सूखी लाल मिर्च मैंने इसलिए पहले नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो हरी मिर्च को मैंने प्याज के साथ पीसा था, तो इसलिए मैं इसको अब डाल रही हूँ। और अब मैं ली हूँ दूध और इसमें डालूंगी ये है केवरा पानी। और इसमें डाल दूंगी ये गरम मसाला। अब इसमें मैं इसको डाल दूंगी। ये मेरा मटन रसाला बिल्कुल तैयार हो रहा है, बस इसे और एक मिनट मुझे पकानी है। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। तुम दुकान लगा के बैठी है ना? एक्सपेरिमेंट हो रहा है किस चीज़ का? ये कौन सा केमिकल बना है? क्या है ये? तेल है? तेल नहीं है, कुछ और है। कुछ और है तो क्या होगा?